नमस्कार, मैं मनोज लांबा, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स न्यूज के बारे में बात करेंगे। पहली, सीबीडीटी क्लैरिफाइड दैट रिवाइज्ड इनकम टैक्स फॉर्म्स टू बी नोटिफाइड बाय अप्रैल एंड इट विल अनेबल टैक्स पेयर टू टेक बेनिफिट्स ऑफ एग्जम्पशन और डिडक्शन अप टू एक्सटेंडेड टाइम पीरियड ऑफ 30th जून 2020 ड्यू टू COVID-19 इम्पैक्ट। सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को क्लैरिफाई किया है कि जल्द ही फाइनेंशियल ईयर 19-20 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संशोधित किए जाएंगे और उसे 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकेगा, ताकि सभी करदाता जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है 30 जून 2020 का, उसमें की इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट उठा सके। दूसरा बदलाव, इम्प्लाइज हैव टू इन्फॉर्म इम्प्लायर्स अबाउट इंटेंशन टू ऑप्ट कंसेशनल टैक्स रिजाइन इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में इस वित्तीय वर्ष से आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेके कंसेशनल टैक्स रिजाइन में जा सकते हैं, या आप पुराने रिजाइन में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप नए रिजाइन में जाना चाहते हैं तो एम्प्लाइज को, अपने एम्प्लायर को एक डिक्लेरेशन दे के बताना होगा कि वो कंसेशनल टैक्स रिजाइन को ऑप्ट करना चाहता है। अगर वो ये चाहते हैं कि उनकी जो आय है उन पर कर रिडक्शन जो होनी है, जो TDS काटा जाना है, वो नए दरों से, नई इनकम के हिसाब से काटा जाए, तो उन्हें ये डिक्लेरेशन अपने एम्प्लायर को इसी महीने में देनी होगी। तीसरी बड़ी न्यूज, ₹520 करोड़ इनकम टैक्स रिफंड इशूड इन लास्ट 10 डेज टू प्रोवाइड बिग रिलीफ टू स्मॉल बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSME। सीबीडीटी ने तीसरा क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा था कि 5 लाख रुपए तक के जितने भी रिफंड हैं हम इमीडिएटली इशू करेंगे, और इसी बात को, इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए सीबीडीटी ने पिछले 10 दिनों में 5,204 करोड़ रुपए के रिफंड इशू कर दिए हैं। चौथी बड़ी खबर, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज सेंट ईमेल्स टू 1.72 लाख एसएससीज हु हैव आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज वेल एज टैक्स रिफंड। सीबीडीटी ने 1,72,000 एसएससीज को एक ईमेल भेजी है जिसमें उनकी डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड्स जो पेंडिंग हैं उसके स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी है। यह मेल अधिकतर उन लोगों को भेजी गई है जिनका टैक्स रिफंड भी पेंडिंग है और टैक्स ड्यूस भी पेंडिंग है। तो सीबीडीटी उनसे ये जानना चाहती है कि अगर आपने अपना टैक्स अभी तक जमा नहीं कराया है, जो पेंडिंग डिमांड है, तो क्या हम इसे रिफंड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर, द पेंडिंग TDS ऑफ March 2020 हैज टू बी डिपोजिटेड बाय 30th April 2020 इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर 30th April 2020 बट बिफोर 30th June 2020 ड्यू टू COVID-19 इम्पैक्ट इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.75% पर मंथ और ए पार्ट देयर ऑफ विदाउट एनी पेनल कॉन्सिक्वेंसेस। आपको मालूम है मार्च का जो TDS था वो आपको 30 अप्रैल तक जमा कराना था। अगर COVID-19 इम्पैक्ट के कारण या लॉकडाउन की वजह से किसी कारणवश आप उसे 30 अप्रैल तक जमा नहीं करा पाते हैं, तो इसे आप 30 जून 2020 तक जमा करा सकते हैं। ऐसी दिशा में आप पर जो ब्याज की राशि है वो 1% पर मंथ ना चार्ज करके 0.7% पर मंथ चार्ज की जाएगी, यानी आपको 0.25 की कंसेशन मिलेगी। साथ ही साथ बोर्ड ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि ऐसी दिशा में अगर कोई डिडक्टर 30 जून 2020 तक अपना कर जमा कराता है तो उससे किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी और कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। छठी बड़ी खबर, डोनेशन टू पीएम केयर फंड्स आर नाउ एलिजिबल फॉर 100% टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पीएम केयर फंड्स कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया एक फंड है जिसमें जो लोग भी डोनेशन या कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें अब आयकर से 100% 100% कर मुक्ति मिलेगी। ऐसा सीबीडीटी ने ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के द्वारा बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑल डोनेशंस
जो एटीजी धारा के अंतर्गत पीएम केयर फंड्स में की जाएंगी उन पर पूर्णता कर से मुक्त होंगी, उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। तो ये तो इस हफ्ते के इनकम टैक्स अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह हम आए हफ्ते संडे के दिन आपको हफ्ते भर के इनकम टैक्स अपडेट लेके आते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का नमस्कार।